गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सिक्स्थ क्लास हिंदी सब्जेक्ट लेसन सेवेंथ तरकारी दरबार, टेक्स्ट बुक पार्ट पेज नंबर 72, 73 and 74। टेक्स्ट बुक पार्ट पेज नंबर 72। मात्रा जोड़कर लिखिए, रोमन वो रोमन मात्रा जोड़कर लिखिए। बारह कड़ी लिखना चाहिए। यहाँ पर मात्राएं दी गई है, टेक्स्ट बुक पेज नंबर 72। मात्राएं जोड़कर लिखना चाहिए, बारह खड़ी। नेक्स्ट रोमन वो रोमन तालिका में से वर्ण चुनकर शब्द बनाइए, लिखिए। वो रोमन तालिका में, तालिका मीनिंग फजिल, फजिल फजिल में से वर्ण चुनकर शब्द बनाना चाहिए, शब्द बनाकर यहाँ पर लिखना चाहिए। एक एग्जांपल दिया गया है जंजीर। इसी तरह और क्या क्या शब्द आते हैं, संकट, यहाँ पर संकट दिया गया है, ऐसे कंकड़ और संगत आता है, इसी तरह दुख। नेक्स्ट हम्स, इस तरह है यह शब्द पूरा यहाँ पर लिखना चाहिए। नेक्स्ट पेज नंबर 73। चित्र देखकर वर्तनी सही करके लिखिए, चित्र देखकर वर्तनी सही करके लिखिए। रू रोमन, यहाँ पर चित्र दिया गया और उसका शब्द वर्तनी सही नहीं है, इसीलिए हम वर्तनी शुद्ध करके लिखना चाहिए। स्पेलिंग रॉन्ग उन्नाई, अभी मन राइट रही। पंछी, फर्स्ट वन पंछी, सेकंड अंगूर, अंगूर लिखना चाहिए, तीसरा चंदा, चौथा अंबर, पांचवे बंदर, छठवे पंकज। इस तरह चित्र देखकर वर्तनी सही करके लिखना चाहिए, पेज नंबर 73। और एक रोमन देखिए, रू रोमन ख़त्म हो चुका। ये रोमन, चित्रों देखिए नाम लिखिए, पिक्चर जूसी पैर आया अकड़ा, चित्रों देखिए नाम लिखिए। यहाँ पर चित्र देखिए, उदाहरण गेंद, गेंद दिया गया। इसी तरह और जानिए, पहला शब्द क्या है, चित्र हंसिया, इसी तरह दूसरा पंखा, तीसरा झोपड़ी, चौथा कछुआ, पांचवी थैली, छठवी पौधा। इसी तरह चित्र देखकर हम उसकी नाम लिखना चाहिए, चित्र देखकर नाम लिखना। नेक्स्ट पेज नंबर 74। अम मात्रा वाले वर्णों को, अम मात्रा वाले वर्णों को दर के साथ जोड़कर लिखिए। यहाँ पर देखिए पेज नंबर 74। आई रोमन, अम मात्रा वाले वर्णों को दर के साथ जोड़कर लिखिए। अम मात्राएं दर तो ऐड जैसे मन इकड़ा वर्ड्स रायाली, इकड मिडिल यारो मार्क चूँगी, यारो मार्क इन सैड लाइप, इला दर ऐड की मन वर्ड्स इकड रायाली। बंदर, कंदर, सुंदर, अंदर, चंदर, चंदर, कंदर, बंदर, अंदर, सुंदर। जिस तरह शब्द लिखना चाहिए, पेज नंबर 74। नेक्स्ट दूसरा रोमन देखिए, वो रोमन मात्रा युक्त व्यंजनों को उनकी मात्रा के अनुसार दी गई तालिका में लिखिए।
मात्रा युक्त व्यंजनों को उनकी मात्रा के अनुसार दी गई तालिका में लिखिए। इच्छी పదాలు ఇక్కడ చూడండి, మాత్రమే యాడ్ చేసి ఇచ్చారు కొన్ని పదాలు, దాన్ని మనము ఇక్కడ ఫజిల్లో చూడాలి. ఆ ఈ ఊ మాత్రమే ఇచ్చాడు, స్వర్కి మాత్రమే. ఇక్కడి నుంచి మనం సెలెక్ట్ చేసి ఏ వర్డ్కి ఎదురాలో కరెక్ట్గా రాయాలి. ఫస్ట్ ఆ మాత్ర, ఆ మాత్ర ఏమేమి వస్తాయి, ఖా టా దా ఆ మాత్ర ఇక్కడ ఉన్నాయి. ఇందులో నుంచి మనం సెలెక్ట్ చేసి ఫజిల్లో రాయాలి. నెక్స్ట్ ఈ మాత్ర, ఈ మాత్ర కౌన్సే చెప్తాయి, కౌన్సే వర్ణ ఝీ ఖీ నింగ్. ఇసీ తరహ ఈ మాత్ర సీ రీ, ఇసీ తరహ లిఖన జరూరీ హై. నెక్స్ట్ ఊ మాత్ర జు గు హు, ఊ మాత్ర ము థు రు, ఋత్వం మాత్ర బ్రు క్రు ద్రు. ఇసి తరహ తాలికా పూరా కీజియే, ఇచ్చిన ఫజిల్ మొత్తం కూడా కంప్లీట్ చేయండి. ఆ నుంచి అమ్మ హవర్కి ఇచ్చారు వర్ణ, ఆ వర్ణకి వర్ణ వర్ణంకి మాత్ర వచ్చి జోడ్గా లిహియే, వాటి యొక్క ఒత్తుల్ని యాడ్ చేసి అన్ని పదాలు మనం ఇక్కడ ఫిల్ చేయాలి. ఓకేనమ్మా, పేజ్ నెంబర్ 74 కంప్లీట్ అయింది. థ్యాంక్ యూ.